गांव की रौनक, अगले चैप्टर का टाइटल। सुबह के वक्त इन सब की ट्रेन लेट हो गई थी, इस वजह से सबको वहां पहुंचते पहुंचते सुबह के 8 बज गए थे। वहां पहुंचकर पहले वीर ने सबके लिए चाय मंगवाई और फिर बाकी सब तो फ्रेश होने चले गए। संजय जी, देव जी, वीर और रोहित वहां पर रह गए। वीर संजय जी को सारी बातें और सारी तैयारियों के बारे में डिटेल से बता रहा था और सारे नंबर्स उनको दे देता है। वीर, बाकी कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कॉल कर लीजिएगा। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा जी। वीर और रोहित फिर दोनों से विदा लेकर जाने वाले होते हैं कि कविता आती है। कविता, वीर सुन, कुछ काम है तुझसे। वीर उसके पीछे जाता है। कविता, तेरे में अकल है क्या? वीर, क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया अब? कविता, श्रुति से मिल तो लेता एक बार, पर नहीं, जाने की पड़ी है तुझे। वीर, अब यार ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है कि मैं बोलूं अंकल मुझे श्रुति से मिलना है। कविता, हे भगवान, क्या होगा मेरी श्रुति का, जा वो ऊपर तेरा इंतजार कर रही है। वीर फिर वहां से ऊपर की तरफ जाता है। वीर, कैसे हो श्रुति आप? श्रुति आकर उसकी गले लग जाती है। वीर, क्या हुआ? श्रुति, आप ना बहुत बुरे हो वीर। वीर, मैंने क्या कर दिया? श्रुति, ना ढंग से बात की इतने टाइम से, ना आते हुए रास्ते में, और अभी भी बिना मिले जा रहे थे। वीर, तू इस वजह से नाराज हो? श्रुति, हाँ। वीर, अरे बस काम की वजह से पूरे दिन भाग दौड़ लगी रहती है और फिर रात को आती नींद आ जाती है। श्रुति फिर कुछ नहीं बोलती और थोड़ी देर ऐसे ही उससे गले लगी रहती है। श्रुति, फिर कब आओगे? वीर, एक वीक बाद, और आऊंगा तो आपको अपने साथ ले जाऊंगा। श्रुति, एक वीक? नहीं नहीं, उससे पहले भी आओगे मिलने, वरना देख लेना। वीर, अच्छा अच्छा, गुस्सा मत हो, कोशिश करूंगा आने की। अब जाऊं मैं, देर हो रही है। श्रुति, नहीं ना, रुक जाओ। वीर, श्रुति समझा करो, देर हो रही है। श्रुति गुस्से से, ठीक है जाओ आप, सबकी बढ़िया, आपको सिर्फ मेरे अलावा। वीर, ठीक है बैठिए, मैं भी बैठ गया। श्रुति, जाना जरूरी है क्या? वीर, हाँ तभी तो कह रहा हूं। श्रुति, ठीक है आप जाओ, पर मुझसे मिलने आओगे। वीर, ठीक है, और उसे गले से लगा लेता है और उसके माथे पर किस करके वो वहां से बाहर निकल जाता है और रोहित के साथ अपने घर के लिए निकल पड़ता है। तकरीबन एक घंटे बाद वो अपने घर को होता है। वहां पहुंचकर वीर और रोहित दोनों फ्रेश होते हैं और फिर निकल पड़ते हैं साक्षी और रजनी को लेकर। पूरे दिन ये गाड़ियों की खरीदारी में बिता देते हैं। शाम को जब सभी वापस आते हैं तो बड़े पापा बोले, वीर का श्रुति को घर ले आना, गहने वो अपने हिसाब से ले लेगी। वीर, पर बड़े पापा हम सुबह ही पटना के लिए निकल जाएंगे और फिर रात को राजीव और संजना के साथ लौटेंगे। बड़े पापा, ठीक है फिर रोहित चला जाएगा। रोहित, हाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर सभी साथ बैठकर डिनर करते हैं और वीर थोड़ी देर श्रुति से बात करता है और उसे बता देता है कि कल रोहित उसे लेने आएगा। श्रुति सुनकर नाराज होती है पर वीर एक बार फिर उसे मना लेता है। वक्त ऐसे ही शादी की तैयारियों में गुजर रहा था। वीर, रोहित, राजीव और सनी ने मिलकर सारा काम अपने जिम्मे ले लिया और सारे काम निपटा दिए और वीर के घर को किसी दुल्हन की तरह लाइट से सजा दिया गया था। शादी से एक शाम पहले शाम के वक्त रोहित, साक्षी, प्रिया, संजना और कविता मेहंदी लेकर श्रुति के यहाँ पर जाते हैं। वहाँ संजय जी सबका स्वागत करते हैं और सभी श्रुति के पास जाते हैं। वहाँ सभी के हाथों में मेहंदी लगाई जाती है और उसके बाद सभी खूब देर तक डांस करते हैं, ढेर सारी फोटोज खिंचवाते हैं और अंत में रोहित बाकी सबके साथ सबसे विदा लेकर निकल जाते हैं। वहीं वीर के घर भी पार्टी चल रही थी। सभी खूब मगन होकर डांस में रमे हुए थे और वीर वहीं गेस्ट को खिला पिला रहा था। रोहित और बाकी सबके आने के बाद सभी वीर को डांस फ्लोर पर ले आते हैं और काफी देर तक डांस करते हैं। उसके बाद सभी खा पीकर छत पर बैठ जाते हैं। वहां सभी बस कल के बारे में बात करने में लगे थे। सभी बहुत एक्साइटेड थे और वीर भी बाकी बातों को भूलकर हर लम्हे को जी रहा था जो कुछ ही दिनों में यादों में बदल जाएगा। काफी देर तक सभी साथ बैठे होते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। वहीं वीर छत पर बैठा रहता है और श्रुति को कॉल करता है। काफी देर तक सभी साथ बैठे होते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। वीर वहीं छत पर बैठा रहता है और श्रुति को कॉल करता है। वीर, कैसे हो? श्रुति, ठीक हूँ, आप बताइए, हो गए फ्री? वीर, जी बिल्कुल। श्रुति, फिर मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि जो सपना हमने पहले दिन से देखा था वो पूरा होने वाला है और कल, इनफैक्ट कुछ ही घंटों में हम एक दूसरे के हो जाएंगे। वीर, यकीन कर लीजिए मैडम, और तैयार हो जाइए, पूरी जिंदगी अब आपको ही झेलना है मुझे। श्रुति, हाँ पता है, अब जब प्यार किया तो डरना कैसा? वीर, सोच लो, अभी भी वक्त है आपके पास। श्रुति, आप ना चुप ही रहो, पता नहीं ऐसी बातें आती कहां से दिमाग में। वीर, अच्छा अच्छा गुस्सा मत हो, अब नहीं बोलूंगा कुछ।
श्रुति, हाँ वही अच्छा रहेगा। वीर, तो कोई दिक्कत तो नहीं है आपको वहां पर? श्रुति, बिल्कुल नहीं, आखिर मेरे वीर ने सारे इंतजाम किए हैं, तो दिक्कत कैसे हो सकती है? वीर, चलो खुशी हुई जानकर, अब सो जाइए, नहीं तो कल कहीं आप पूरे दिन नींद में ना रहे। श्रुति, दिल तो नहीं कर रहा और नींद भी नहीं आएगी, फिर भी कोशिश करती हूँ सोने की। गुड नाइट, लव यू वीर, बहुत सारा। वीर, लव यू टू, गुड नाइट। फिर दोनों फोन रख देते हैं और वीर वहीं बैठा रहता है सुबह तक। सुबह के वक्त वो रोहित को साथ लेकर मार्केट की तरफ निकल पड़ता है, जहां से सामान सब लेकर वो हलवाई के पास रखवा देता है और फिर बाकी सबके साथ बैठ जाता है। इधर घर की लेडीज हल्दी की तैयारी में लग जाती हैं। 10 बजे करीब हल्दी की रस्म होती है, जिसमें पहले तो रोहित, राजीव और सनी बाकी लोगों के साथ मिलकर उसे हल्दी में नहला देते हैं और फिर वीर भी बाकी सब पर हल्दी उड़ेल देता है। उसके बाद सभी कुछ देर डांस करते हैं और फिर नहाकर बाकी कामों में लग जाते हैं। इधर रोहित के पास संजय जी का फोन आता है और वो रोहित को बुलाते हैं। रोहित भी वीर को बताकर वहां से निकल पड़ता है। इधर ये सभी खान पीन के लिए आने वाले गेस्ट के स्वागत की तैयारियों में लगे थे। रोहित जब फार्म हाउस पहुंचता है तो वो संजय जी के पास जाता है। रोहित, हाँ जी अंकल जी, कहिए क्या काम करने हैं? संजय जी फिर उसे लेकर श्रुति के पास पहुंचते हैं। संजय जी, ये बात आपको श्रुति बताएगी। रोहित, हाँ बोल श्रुति, क्या काम है? श्रुति, तू मेरा भाई है ना? रोहित, हाँ। श्रुति, तो सुन, जो हाथ पकड़ने वाला रस्म होता है ना, और बाकी जितने भी रस्म होते हैं ना भाई वाले, सारे तू निभाएगा। रोहित बस श्रुति की तरफ देखता रहता है, क्योंकि उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। श्रुति, क्या हुआ रोहित? रोहित, कुछ नहीं, और उसे गले लगा लेता है। रोहित, तू चिंता मत कर, सारे रस्म तेरा ये भाई निभाएगा। फिर रोहित वहां से निकलकर संजय जी की मदद करवाने लगता है। दोपहर के वक्त रोहित और उसके साथ बाकी 10 और लोग वीर के घर के लिए निकल पड़ते हैं। वीर के घर पर सबका बड़े आदर पूर्वक स्वागत होता है और रोहित अंदर जाकर सारा सामान दे आता है और सारी बातें उन्हें बता देता है। साक्षी, मतलब आपने पार्टी बदल ली? रोहित, और नहीं तो क्या, मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ। वीर, ये भी सही है, तुझसे पीछा तो छूटा। फिर सभी को राजीव, सनी और रोहित मिलकर नाश्ता और चाय सर्व करते हैं और कुछ देर सभी आपस में बात करते हैं। लड़की वालों की तरफ से जो भी आए थे वो वहां का माहौल और वहां के लोगों से मिलकर बड़े खुश थे। उसके बाद सभी को बिठाकर भोजन करवाया जाता है और इधर उधर वीर भी तैयार होता है।